बॉलीवुड में रीमेक बनाना एक आम बात है और G5 की नई लॉन्च हुई मूवी यारा भी 2011 में आई अ गैंग स्टोरी की ऑफिशियल हिंदी रीमेक की है। और जैसा कि माना जाता है रीमेक फिल्म्स अक्सर अच्छी बनकर नहीं आती है, कहीं हद तक गलत हो जाती है यह यारा फिल्म के लिए बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग कास्ट परफॉर्मेंस और म्यूजिक। फन फैक्ट कि यह मूवी 5 साल से बनकर तैयार तो थी बट कोई इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने को तैयार नहीं था। और अब जब मैंने यह फिल्म को देख ली है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों, तो कैसे हो यारो। देखो वैसे तो यारा एक बहुत अच्छी फिल्म नहीं है बट आई फील कि एनफ अच्छी तो है कि आप पूरे फिल्म को बिना बोर हुए देख जाओ। और हाँ मैं फिर से कहूँगा कि बहुतों के एक्सपेक्टेशंस को यह फिल्म मैच नहीं कर पाएगी, स्पेशली सेकेंड हाफ जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो गया था। और लास्ट के 30 मिनट आई वाज लाइक कि चलो अब ख़त्म हो भी जाओ। G5 की नई रिलीज यारा कहानी है 4 दोस्तों की चौकड़ी गैंग की जिन्हें उनकी किस्मत चुनते हैं। और बता दूं कि यह फिल्म देखने से पहले मुझे डर था कि कहीं यह किस्मत वाला चीज फैब्रिकेटेड न लगे और ऐसा है कि नहीं लगा। 4 दोस्त किस्मत के मारे बचपन में एक दूसरे से मिलते हैं और तभी से नेपाल इंडिया बॉर्डर के बीच उनके जुर्म का कारवा चालू हो जाता है। जैसे जैसे वह बड़े होते हैं इनके कांड भी बढ़ते जाते हैं और मेन कहानी फोकस करती है इनकी दोस्ती की परीक्षा की। इतने सालों बाद जब बेतवा पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है तो सवाल आता है कि क्या तिगरी गैंग के बाकी के 3 दोस्त अपने इस दोस्त को बचाएंगे। इसके साथ दूसरा सवाल भी आता है कि ऐसा क्या हुआ था जो मितवा सभी से दूर चला गया, फागुन क्यों मितवा से नाराज है और पास्ट में क्या हुआ था जो यह तिगरी गैंग टूट गई थी। और इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा G5 की यह फिल्म 11। तो फिल्म की स्टोरी तो बहुत ही बेसिक सी थी और क्योंकि फिल्म रीमेक है क्रेडिट में किसी को नहीं देना चाहूंगा। तिग्मांशु धूलिया अपने पिछले बेहतरीन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं बट इस बार उनके पास क्योंकि प्री मेड टेम्पलेट तैयार थी और उसी पर बेस्ड यह फिल्म भी है। और जिन्होंने मेरा ट्रेलर रिव्यू देखा होगा उन्हें मालूम है कि मैं इस मूवी के लिए कुछ ज़्यादा एक्साइटेड था नहीं बट टू माई सरप्राइज यह फिल्म बेटर देन माई एक्सपेक्टेशन निकली क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन तो था ही नहीं। और सरप्राइजिंगली मुझे श्रुति हसन के रोल भी इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगा ऑल्दो उनका परफॉर्मेंस बेटर हो सकता था। प्लस अगर उनके कैरेक्टर को फिल्म में और थोड़े अच्छे तरीके से इन्वॉल्व किया जाता तो मैं मानता हूँ कि फिल्म और अच्छी बन जाती। परफॉर्मेंस की बात करें तो नो डाउट जैसा कि हमें उम्मीद था सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। एक भी ऐसा शॉट नहीं था जहां पर मैंने इन चारों में से किसी को भी सिंथेटिक रिएक्शन देते हुए देखा। और इन सभी में आई फील कि विद्युत जामवाल को लाइमलाइट में रखा गया है, सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम भी उन्हीं को मिला है जिसको वेस्ट उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया है। इन ऑल चारों लीड्स विद्युत जामवाल एस फागुन, अमित साध एस मितवा, विजय वर्मा एस रिजवान और केनी एस बहादुर ने जबरदस्त काम किया है। म्यूजिक भी मुझे एवरेज ही लगी, सूदिंग और नाइस टू ईयर थी बट जहाँ पर बैकग्राउंड स्कोर की बात आती है आई फेल्ड कि बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही एवरेज था। कोई भी सीन की स्कोर इतनी अच्छी नहीं थी कि सीन और भी एलिवेट हो जाती और इतनी बुरी भी नहीं थी कि सीन खराब दिखे। देखो क्योंकि मूवी 2 टाइमलाइन पर बेस्ड थी, एक जब चारों लीड्स जवान थे और दूसरे उनके मिड एज का। सरप्राइजिंगली मिड एज के प्रोस्थेटिक सच में बहुत ही अच्छे थे और मुझे तो बिलीवेबल लगे एटलीस्ट जो कि फिर से इस फिल्म के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अब जहाँ परफॉर्मेंस और म्यूजिक इस फिल्म की पॉजिटिव आते हैं, एक जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज लगा मुझे इस फिल्म की कि बहुत सारे सडन सीन जंप्स थे। लाइक आप अचानक से एक सीन देख रहे हो और सडनली सीन कट करके उस सीन में जो हो रहा होता है उसके रिजल्ट पर फोकस कर दी जाती है और ऐसा मूवी के फर्स्ट हाफ में इतना ज्यादा होता है कि आई फील यह एक बहुत ही इरिटेटिंग चीज थी। आप एक सीन देख रहे हो और सडनली सीन कट होके दूसरे एंगल से दिखाने लगे या कम्प्लीटली दूसरे ही सीन में चले जाए तो डेफिनेटली यह एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा एक लो बजट फिल्म से आप ज्यादा और क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। प्लॉट लाइन, कैरेक्टर इंटरेक्शन और डेवलपमेंट, हाँ प्लॉट लाइन इम्प्रूव की जा सकती थी, थोड़ा और स्टोरी को इंटेंसिफाई और मिस्टीरियस बनाई जा सकती थी। प्लस जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि एंडिंग के हाफ एन आवर पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल थी, प्लॉट ट्विस्ट ऐसा था कि आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, कैरेक्टर इतना ज्यादा था कि सभी को डेवलप नहीं किया गया है, श्रुति हसन और विद्युत जामवाल के केमिस्ट्री को बहुत ही नॉन एग्जिस्टेंस सा रखा गया है जो कि आई फील की एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि स्टोरी के एक पॉइंट पर जाके इस चीज की भी इम्पोर्टेंस आती है। तो मेरे हिसाब से ऑल्दो फिल्म के कुछ बहुत सीरियस नेगेटिव पॉइंट्स है, फिल्म वॉचेबल है और इवन एंजॉयबल भी। मूवी वन टाइम वॉच जरूर रहेगी और जिनको बहुत ही ज्यादा
उम्मीद थी कि दोस्ती की पैमाने दिखाए जाएंगे। मैं बता दूं कि आप डिसअपॉइंट होने के लिए तैयार हो जाएं। तो यह था मेरा एक छोटा सा रिव्यू एनालिसिस और ओपिनियन वीडियो इस मूवी यारा की। तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको यह फिल्म कैसे लगी। अगर आपको यह रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और फ्यूचर में ऐसे ही रिव्यूज, एक्सप्लेनेशन और ओपिनियन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम रेगुलर ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सबक खैर।